नमस्कार, हम खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। वंदे मातरम में हम हमेशा देशहित और समाज से जुड़े मुद्दे दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं दो मिनट में बनने वाली मैगी की, जो कि दो मिनट में आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। आज हम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे। चॉकलेट में कीड़े, कोल्ड कॉफी में चूहा, कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक, चिकन टिक्का में कीड़े, मीट में प्लास्टिक के टुकड़े और अब मैगी में जानलेवा लेड और एमएसजी। मैगी मतलब मौत। तो जी हाँ, दो मिनट में आपकी जान जा सकती है, क्योंकि जो नमूने लिए गए हैं मैगी के वो बेहद खतरनाक बताते हैं कि मैगी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी मौजूद हैं, फिजिशियन हैं, इसके अलावा एडवोकेट करण आहूजा और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर। के साथ हमारे साथ मौजूद है रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने मैगी के 12 अलग अलग सैंपल्स का टेस्ट करवाया, जिसके बाद मैगी में तय मात्रा से 7 गुना ज्यादा लेड की मात्रा पाई गई है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूपी सरकार ने मैगी में ज्यादा मात्रा में मिले लेड के मामले पर नेस्ले समेत 5 और लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। क्या ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। दो मिनट मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। मिनट में तैयार हो जाने वाली मैगी स्वादिष्ट से ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित मैगी को कितना भी स्वादिष्ट और सेहतमंद बताएं, आज कदम उठाया है हेल्थ को मजेदार बनाने का। मम्मी भूख लगी है। लेकिन इनके दावों को केंद्र सरकार की कोलकाता स्थित लैब के टेस्ट रिपोर्ट ने गलत साबित कर दिया है। जाँच ने साबित कर दिया की दो मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाने वाली मैगी जानलेवा है। यूपी के बाराबंकी जिले से मैगी के जिन 12 अलग अलग सैंपल को जांचा गया, उसमें लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन पाई गई, जो स्वीकार्य सीमा से 7 गुना ज्यादा है। एफडीए के मुताबिक मैगी नूडल्स में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। रिपोर्ट्स के बाद उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया और 5 अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैगी का विज्ञापन करने के मामले में भी बाराबंकी के सीजीएम कोर्ट में माधुरी दीक्षित, जिंटा और अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये मुकदमा वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता संतोष सिंह की याचिका पर दर्ज किया गया है। इस बीच माधुरी दीक्षित ने भी मैगी के उत्पादक नेस्ले इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात कर कंपनी के दावों की हकीकत का जायजा लिया। मैगी का विज्ञापन करने वाले फिल्म स्टार्स पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए यूपी में अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। तो अगर अब आप अपने लाडले या लाडली को मैगी देते हैं तो दो मिनट के लिए जरूर सोचेगा। करण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट। करण जी, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, कितनी सजा का प्रावधान है उसमें? धारा 100 जो कहती है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है आपने बढ़ाव दिया या किसी का साथ दिया कुछ कार्य करने पे। जी, अबेटमेंट में वही सजा होगी जो बाकी धाराओं पे उनपे लगी है सजा। जैसे धारा 272 और 273 लगाई गई है जी, जो अडल्ट्रेटेड फूड्स बेचने के ऊपर लगाई जाती है जी। साथ में धारा 420 भी लगाई गई है, जो चीटिंग के लिए लगाई जाती है। अब 272 और 273 में 6 महीने की सजा का प्रावधान है, जबकि जी चीटिंग में 7 साल की सजा का प्रावधान है। उसके अलावा फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में आप जाएंगे तो धारा 41B में आपको सजा लगती है 3 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जी, यानी आजीवन कारावास तक ये सजा एक्सटेंड हो सकती है।
और 5,000 रुपए से बढ़के जितना जुर्माना लग सके आप पे लगाया जा सकता है। जी, अब राजेश केसरी डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। राजेश जी, अगर देखा जाए तो 17.2 पीपीएम की मात्रा दर्ज की गई है जो कि असल में 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना ज्यादा सीसा का होना कितना ज्यादा नुकसान दे? देखिए, मैं ये ह्यूमन से कहना चाहूंगा क्योंकि ये मैगी है और जी, एक बहुत खास बात हमें इसका ध्यान रखना है कि बच्चे इसको बहुत खाते हैं। तो जब हम लोग खाने के साथ कोई चीज़ खाते हैं जिसमें लेड की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर में जाती है, और लेड एक ऐसा हैवी मेटल है जो खून के साथ साथ सारे शरीर में जाता है और शरीर के ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम्स हैं सबको प्रभावित करता है। जी, लेकिन बच्चों में खास बात ये होती है कि बच्चों में लेड पॉइजनिंग या क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग की वजह से, क्रॉनिक लेड एक्सपोजर की वजह से एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मतलब बच्चों का दिमागी रूप से विकास ठीक नहीं होता, और जैसे बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल में ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे जरूरी है, जिस तरीके से नेस्ले की तरफ से जो सफाई दी जा रही है, सफाई में ये कहा जा रहा है कि जो सैंपल लिए गए थे वो सैंपल जो है वो पुराने थे, 2014 तक 7 महीने की बात लिखी होती है। जो भी आप मैगी खरीदते हैं तो बेस्ट बिफोर 7 मंथ, जो पैक के जब पैक किया गया उसके 7 महीने के भीतर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बेस्ट बिफोर यूज का कहते हैं, उसके पहले आप कहते हैं तो वो बेस्ट होता है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा आपसे या दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि क्या जो लेड की जो मात्रा 7 गुना ज्यादा है, निश्चित तौर पे कोई भी चीज अगर जो लिमिट है उससे 7 गुना ज्यादा है तो नुकसानदेह है, तो सिंपल सबको पता है। लेकिन क्या अगर 7 महीने के बाद इस्तेमाल करते हैं, क्या लेड कोई वैसी सामग्री है जो 7 महीने पहले अगर आप उसको आंकते तो वो लेड बिल्कुल जो है लेबल में होता, 7 महीने बाद अचानक उसकी मात्रा जो है उस सैंपल में 7 गुना बढ़ जाती है, इसके कारण जानलेवा हो जाती है? क्या ये केवल भ्रामक, ये केवल प्रचार किया जा रहा है या डिफेंस कहें लैम एक्सक्यूज दिया जा रहा है, या सही में इस तरीके का? ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्सक्यूज है मैं कहूंगा, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि आपने 3 महीने पहले ये खा लिया होता तो आप बीमार नहीं होते, क्योंकि 3 महीने बाद खा रहे हैं आप इसलिए बीमार हो रहे हैं। लेड ऐसी चीज नहीं है जो अचानक कहीं से पैदा हो। अगर वो पैक्ड, ये तो आप हम सभी जानते हैं कि मैगी जो है एक पैकेज फूड है जो पैक में बंद होता है, वो बाहर से कंटेमिनेट नहीं होता। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो उसमें लेड कंटेंट है वो कहीं से भी आया हो, ये तो दूषित पानी से आया है या दूषित खाद्य पदार्थ से आया हो या उसमें दूषित केमिकल मिलाए गए हों, क्योंकि बहुत सारी जगह से लेड हमारी खाद्य प्रणाली में आ सकता है, तो वो कहाँ से आया हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ और इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि बेस्ट बिफोर डेट जा चुकी है, इसलिए हमें इस मुद्दे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ केवल ये है कि जिन लोगों ने उसको एक्सपायरी रहते खा लिया, जिन्होंने उसको बेस्ट बिफोर डेट से पहले खा लिया, वो सब साहब के पास जाना चाहिए, इसके वकील साहब के पास जाना चाहिए। कि जिस तरह से एविडेंस एक्ट होता है, एविडेंस एक्ट में आपको एविडेंस चाहिए होता है, अब जिस तरीके से नेस्ले की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सैंपल बाराबंकी में उठाए गए थे वो सैंपल पुराने थे, नवंबर 2014 के पहले थे, तो मार्केट में अब 2014 नवंबर के पहले के जो सैंपल है अवेलेबल नहीं है, और इसलिए जो एविडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने की साजिश चल चुकी है। और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसके बाद से 10 दिन का मामला हो चुका है, मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई आज समन दिया जाएगा, समन मिल भी जाएगा, लेकिन क्या जो एक्ट है हमारा, क्या जो हमारा कानून है, क्या इस तरीके का कोई प्रावधान है उसमें जिसमें इन लोगों को सजा मिल सके? क्योंकि अब तक जितने भी बड़े केसेस आए हैं, खासतौर में वैसी कंपनी जो कि बड़ी कंपनियां, उसके खिलाफ इस तरीके के मामले आते हैं और रफा दफा हो जाते हैं। अभी हमने अपने रिपोर्ट में भी देखा था कि बहुत, चाहे आप मैगडी का मामला लें, चाहे आप सबवे का मामला लें, चाहे नेस्ले का मामला लें, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं लेकिन दबा दिए जाते हैं। कोई चीज ऐसे मीडिया में आ जाता है मामला, लोग आकर के चर्चा कर लेते हैं लेकिन सजा नहीं हो पाती है। क्या इस तरीके का कोई प्रावधान है हमारे पास कि एविडेंस एक्ट के तहत, जिस तरीके से अभी एक तरह से मुझे लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से जो एविडेंस है उसको हटाया जा रहा है मार्केट से? देखिए, एविडेंस तो वे करना पड़ता है। आप देखेंगे एविडेंस को आप पेपर्स पे तवज्जो नहीं दे सकते कि आपके पास 10 रिपोर्ट हैं कि 11 रिपोर्ट हैं, उसमें से आपको कितनी जरूरी रिपोर्टें हैं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि फूड अडल्ट्रेटेड है, खाना इसमें लेड का कंटेंट है, तो आप जो चीज प्रूव कर सकें, आप स्टेटमेंट से, आप अपने रिकॉर्ड से, आपने टेस्ट रिपोर्ट लगाई है, वो प्रूफ कर सके, वो देखा जाएगा कि वो कितना जेन्युइन है, कितना सत्य है उसके अंदर।
अगर इसमें तो ये कहा जा रहा है कि नवंबर 2014 के पहले जो नमूने लिए गए थे उसमें लेट पाए जा रहे थे, आज जो मैगी अवेलेबल है मार्केट में उसमें नहीं है, तो क्या इसे इस आधार पे डिसीजन में कोई फर्क पड़ेगा? इस पे देखिए वो स्टेटमेंट्स जो है वो मीडिया को दी गई स्टेटमेंट्स हैं। जब तक ऐसी कोई स्टेटमेंट आप कहना चाह रहे हैं, अगर आप कोर्ट के सामने कह रहे हैं और उसको बैक करने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। नूतन ठाकुर जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नूतन जी, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? क्या एडवर्टाइजिंग इसके लिए जिम्मेदार है या फिर मार्केटिंग? देखिए गलती थोड़ी मतलब हर एक की है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ फूड खाने में मिलावट को लेके और जो पैक्ड फूड है हर एक को लेके नियम कानून तो ढेरों बने हैं, सजा के भी प्रावधान है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो होता नहीं दिखता है। जैसे मैगी में ही अभी जितना शोर हो रहा है, जो बातें आ रही है कि मिलावट है, लेकिन इसका नतीजा कब निकलता है पूरी प्रक्रिया के बाद और दोषियों को कितनी सजा मिलती है, जी, जी, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी होता है हर बार ये चीजें तो आती कि मिलावट है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, मुकदमे भी दर्ज होते, लेकिन उसके बाद के नतीजे बहुत कम मामलों में आते हैं। और मैं ये कहूंगी मैगी तो ऐसा फूड है जिसको अगर आप कहिए तो चाहे तो कंट्रोल कर सकते, नहीं दे सकते, लेकिन कई ऐसी जरूरी खाद्य सामग्री है उसमें भी मिलावट काफी भारी मात्रा में होती है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई होते नहीं दिखती। जैसे बच्चों के लिए इसका जवाब भी लेना चाहेंगे हम करण आहूजा साहब से। करण जी, कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने मामले हैं वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं, कोई सजा नहीं हुई है, कोई बड़ा सबक नहीं दे पाए हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाए हैं, यही वजह है कि भारत में इस तरह के मामले देखने को मिलते रहते हैं? देखिए वजह तो टू फोल्ड है। एक तो एक तरफ से हम लोग छोड़ देते हैं कि आज बात बाहर आई है तो सब उसको तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद बात आई गई हो जाएगी और 15 दिन बाद खत्म हो जाएगी। जी, एक अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफोर है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब आज की बात खड़ी हुई है और उस बात की सजा अगर आपको 15 साल बाद मिल रही है, देखिए हमारा जो कोर्ट का प्रोसेस है वो सबको पता है कि जग जाहिर बात है कि इट इज स्लो। वैसे आदू साहब, मुझे लगता है कि जो नेस्ले इस मामले में या इस तरीके के मामले में जो सबसे बड़ी सजा होती है, खासकर जो अगर कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर यदि कंज्यूम करना छोड़ दे, यदि मैगी खाना छोड़ दे, तो मेरे ख्याल से नेस्ले के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा मार्केट है नेस्ले का मैगी का, वो भारत, ये 30% जो है उनके पूरे मार्केट का, जो पूरे वर्ल्ड में 30% मैगी वो फिर भारत में बिकता है, और जो नेस्ले का जो इनकम है उसका 30% इनकम जो है केवल मैगी से ही होता है। तो अगर भारत जैसे देश में लोग मैगी खाना छोड़ देंगे तो नेस्ले के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी सजा नहीं होगी। और मेरे ख्याल से नूतन ठाकुर जी से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। नूतन जी, जिस तरीके से इस मामले मैगी के मामले में और इससे पहले पेप्सी और कोक के मामले में भी आया था कि पेस्टिसाइड का मामला आया था सामने में, लेकिन बात इसी तरह से रफा दफा हो गई जैसा कि आप कह रहे थे, एक चीज जो आज ये मैगी वाले इस मामले में आया है कि दोषी यहां पर नेस्ले है या दोषी वो एडवर्टाइजर है या वो स्टार्स हैं जिन जो इंडोर्स करते हैं ऐसे ब्रांड को और वैसे स्टार्स को फॉलो करते हुए जो है लोग, जबकि भारत जैसे देश में फॉलो करने वाले लोग बस, यदि अमिताभ बच्चन मैगी खा रहे हैं तो हम भी मैगी खाएंगे, अगर माधुरी दीक्षित कहती है कि मैगी सेहतमंद है तो बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी रुकावट के, हम किसी के मना करने के बावजूद हम जाकर के मैगी खरीदते हैं और खाते हैं, तो क्या जो एडवर्टाइज जो स्टार है जो कि इंडोर्स कर रहे हैं ऐसे मामले को, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को वो इंडोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो पहले जांच पड़क ले, क्या कि क्योंकि उन्हें सिर्फ बिजनेस और पैसे से नहीं बल्कि उनकी उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट करते खास करके स्टार से, हमारे यहाँ सबसे जरूरत जो अब जिस चीज की है वो एडवर्टीजमेंट को लेकर भी अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक बाकी कार्रवाई तो होती लेकिन जिन्होंने विज्ञापन दिया उनके ऊपर किसी तरह की खास कार्रवाई होते नहीं दिखती है और वो पूरे पूरे मामले से बच निकलते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति विज्ञापन करे तो उसमें इतनी होनी चाहिए, या तो वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट है जो स्टार्स एडवर्टाइज करते वो उसको यूज नहीं करते हैं, और जो चीजें दी रहती है जैसे कि तमाम ऐसे एडवर्टीजमेंट है, जैसे कॉम्प्लान का देखिए, बच्चा बड़ा हो जाएगा, कोई बच्चा कॉम्प्लान पी के नहीं बड़ा हो सकता, जिस तरीके से भ्रामक तरीके से जो एडवर्टाइज किया जाता है
उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है, उसको लेके भी एक बाकायदा नियम बनाने की जरूरत है कि आप एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं करेंगे जो बिल्कुल व्यावहारिक न हो और गलत चीजों को प्रोत्साहित करता हो और आपको आकर्षित करता हो। जैसे गोरेपन की क्रीम है, कोई भी आदमी कोई क्रीम लगा के गोरा नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी देखिए तो आप एक तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते, उनके जेब के साथ खेलते। तो जब भी इस तरीके के जो पॉसिबल चीज नहीं है उसको बताते हुए आप अगर एडवर्टाइज करते तो निश्चित रूप से एडवर्टाइज करने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर भी प्रॉपर नियम बनाने की जरूरत है। जी यकीनन। तो अब विवाद बढ़ा है मैगी पर, तो राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का, आइए आपको सुनवाते हैं। FSSI के तहत आता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आता है, लेकिन चूंकि हमारा मंत्रालय जो है उपभोक्ता के कल्याण के लिए है, इसलिए इस जो शिकायतें हैं इस शिकायत को हम लोगों ने FSSI के पास में भेज दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करो। उनके पास में जो है वो मुकदमा कर करके इसमें तो आजीवन कारावास तक का सजा है, चूंकि ये लाइफ से के जीवन के से संबंधित है, जान भी जा सकती है। जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है वो तत्व पाए गए थे, इसलिए उसको नोटिस जारी की गई है। हमारे भी जनपद में शहर में जो मैगी बिक रही है उसको हमने फूड सिक्योरिटी के तहत कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों से कहा है कि उसको सैंपलिंग करें और उसको टेस्ट के लिए लैब को भेजें, जो भी रिजल्ट आता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मैगी नूडल्स बाराबंकी के रिटेल शॉप से लिए गए, उसकी जाँच कराई गई थी गोरखपुर जो अपनी सरकारी लैब है, और उसमें ऐसे तत्व पाए गए थे जो उसमें नहीं होने चाहिए थे, एक्सट्रेमस एलिमेंट्स थे, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी उसमें अतिरिक्त रूप से पाया गया था, लेट की मात्रा। और आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं, डॉक्टर राजेश केसरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार ये जंक फूड क्या है और ऐसी क्या वजह है जो कि युवा पीढ़ी पर जंक फूड इतना ज्यादा हावी होता जा रहा है। जंक फूड ये ऐसा फूड है जो रिच इन कैलोरीज होता है, जो बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ताकत देता है, एनर्जी देता है, खा के अच्छा लगता है। दूसरा, फूड में जैसे अभी बात कर रहे थे मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ये MSG होते हैं, कुछ टेस्ट एनहांसर्स होते हैं, जिस चीज़ को खा के उसका स्वाद ज़्यादा बेहतर ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इसमें कुछ इस प्रकार के मसाले और ऐसी तत्व मिलाए होते हैं जो खा के अच्छा लगता है और लोगों की आदत बन जाती है इसको खाने की। तो फास्ट फूड में डॉक्टर साहब, खा के अच्छा लगता है और खा के आदत हो जाती है, दोनों अलग अलग चीज है। मेरे ख्याल से टेस्ट इंडिविजुअल है, हेड टू हेड डिफर करता है। अगर आप इसको एज अ नारकोटिक समझ रहे हैं तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि खाने की आदत पड़ जाए, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगे तो हमारे अंदर खुशी उत्पन्न करता है, खासतौर पर खाने की चीजें जो टेस्ट बड्स है हमारे, तो हमें उसको दोबारा खाने की इच्छा होती है। इसीलिए ऐसी प्रक्रिया होती है कि हम एक चीज खाते हैं, हमें पसंद आती है, हम उसको बार बार खाते हैं। और मैगी और इन सब चीजों में खास बात यह है कि बनाने में आसान है, इसमें समय नहीं लगता, ये ऑलमोस्ट प्री कुक्ड होते हैं, जैसे कि एड में दिखा रहे थे 2 मिनट में बन जाते हैं। तो एक ये वजह है कि इसका प्रचलन ज्यादा है। इससे नुकसान हमारे लिए ये है कि ये एनर्जी रिच है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसमें फाइबर बहुत कम होते हैं, तो इसकी वजह से, इसके ज्यादा कंजम्पशन से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और इसके रिजल्ट में जो बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि हम इन बीमारियों की नींव बच्चों में ही रख देते हैं, कि बच्चे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे हमने बात की, ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, वो एनर्जी पेट में जाती है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते उसको, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जी, तो एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, तो एक ये चेन शुरू हो जाती है, एक विशेष साइकिल बन जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके ये बीमारियां पैदा होती हैं। मैं नूतन ठाकुर जी से बहुत सहमत हूँ, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का विज्ञापन करते हैं उसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे आपने खुद अभी कहा, खास तौर पे वो लोग जो किसी प्रकार के इलाज का, दवाइयों का, पाउडर का, चूर्ण का विज्ञापन करते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चॉकलेट पाउडर ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग डायबिटीज जैसी बीमारी का इलाज करते हैं, जिसका वो इलाज करने में सक्षम नहीं है, ये समझिए लाखों लोगों को वो मौत के घाट उतार रहे हैं। क्योंकि हम रोज ऐसे मरीजों को देखते हैं जो
अच्छा खासा इलाज छोड़ के टीवी पे कोई कैप्सूल गोली का विज्ञापन, क्योंकि किसी बड़े एक्टर ने की, किसी सेलिब्रिटी ने की, इसको देख के वो दवाई खाने लगते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, फिर उनको कॉम्प्लिकेशन होती है, उनको हार्ट अटैक होता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनके पांव कट जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा हमारे देश में है, ये सेलिब्रिटी की वजह से जो इलाज जो टीवी और मीडिया के माध्यम से होता है। जी जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी आपदा है हमारे देश के लिए। और आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि लाख कोशिशों के बाद भी हम इन चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी राय जान लेते हैं। मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जो मैगी के खिलाफ जो ये मामला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नुकसानदायक है देश की जनता, देश की जो आम जनता है जो प्रीफर करती है खाने मैगी को। तो जो कंपनियां हैं, यानी ये मुनाफे के चक्कर में कहीं ना कहीं जो खाने वाले हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ये कोई पहली नहीं है कि जो नेस्ले या मैगी इस टाइप से जो कंपनियां हैं जो खिलवाड़ कर रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें बैन करना चाहिए। करण जी से मेरा सवाल है, करण जी आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत में ही ये जो पूरी गतिविधियां होती है बार बार होती है? क्या हमारे कानून में कोई कमी है या फिर कानून को हम इम्प्लीमेंट करने में कहीं पीछे रह जा रहे हैं? देखिए, इम्प्लीमेंट करने में हम पीछे रह रहे हैं, उस बात से तो मैं सहमत हूँ। दूसरी चीज ये है कि लोग आवाज नहीं उठाते। आज आपके साथ गलत हुआ, आपको पैसे मिल गए, आप शांत होकर बैठ जाते हैं। जी जी जी। आपके लिए सरकार ने कंज्यूमर फोरम बनाया हुआ, आप आइए वहां पे कंप्लेंट दर्ज कीजिए। आपको नहीं चाहिए कोई एडवोकेट, अब मत आइए, अब अपनी रिटर्न कंप्लेंट एक लिख के दे दीजिए। सेक्शन 12 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि कोई एक आम इंसान जाके कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। आप जाइए, आप केस डालिए। आओ सर, एक ही बताइए, आप इतने लंबे समय से इस पेशे में, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो सजा किसी को हुई हो, आपने कोई अनुभव किया है? केस बता सकते हैं कोई? जी, केस तो मैं काफी बताऊंगा, लेकिन कंपनीज ऐसी हैं कि उनका नाम लेके हम अपने लिए भी कुछ परेशानी ना खड़ी कर लें। बट कहने का तात्पर्य ये, लोग केस डालते हैं तो उस धारणा से नहीं डालते कि उनके साथ गलत हो, उनको जस्टिस मिल जाए। वो इस धारणा से डालते हैं कि ठीक है जी, हमने 100 रुपए खर्चे हैं, हमें 10-15 हजार रुपए मुआवजा मिल जाएगा, हम शांत हो जाएंगे। अब उसकी इफेक्ट क्या होता है, कंपनी ने एक फंड एलोकेट करके रख देगी, जी ठीक है आज गलत हुआ आपके साथ, कोई नहीं, इतने पैसे हमने एलोकेट कर रखे हैं, हम इनको आगे दे देंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। और यही जाके इंसान से या कंज्यूमर से गलती हो जाती है कि वो आवाज नहीं उठाता, जिद्दी नहीं बनता। आप जिद उठाइए, आप बीड़ा उठाइए कि आपने कुछ करना है इसके खिलाफ, तभी तो कुछ होगा। हम लिटिगेशन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो सो मोटो आप लोग एक्शन लेते हैं, जो एडवोकेट है वो भी लेते हैं, सरकार भी लेती है, या जो एनजीओ होते हैं वो भी लेते हैं। क्या आप, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस तरीके के मामले को लाएं और समाज के, चूंकि ये समाज के हित में और हमारे आपके भी हित में है, तो सीधे तौर पर जरूर हम नहीं जुड़े हुए हों, लेकिन मैगी आपके घर में भी खाया जाता होगा, हमने भी खाई है मैगी, आपने भी खाई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम और आप भी प्रभावित हुए हैं। तो आज जो चीज हम, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम और आप यूज कर रहे होंगे, बाद में पता चलेगा भाई इसमें भी कुछ जो है हानिकारक तत्व थे, तो कुछ ऐसी बातें नहीं होनी जो सो मोटो संज्ञान लेना जिसको कहते हैं, कि संज्ञान लेकर के एडवोकेट हो चाहे एनजीओ हो वो खुद सामने आए और इस तरीके, जैसे कि आपने कहा कि आप नाम नहीं लेंगे, ठीक है आप नाम नहीं लीजिए, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन तो आप ले सकते हैं, आप कोर्ट में तो जा सकते हैं, जो कार्रवाई है वो तो करनी चाहिए। कार्रवाई की जाती है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल्स में जंक फूड बैन कर दिए जाए, लेकिन कितने स्कूलों में बंद हुआ? देखिए कोर्ट, हम लोग इतना ही कर सकते हैं, वी कैन गेट यू एन ऑर्डर, हम आपको एक डिसीजन ला के दे सकते हैं कि आप को एक पॉइंट तक ले आए कि उसके आगे आपको चलना पड़ेगा। अगर हमने आपको कह दिया ये चीज मना, सिगरेट का पैकेट को उठा के देखिए, लिखा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी सिगरेट की सेल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी, नूतन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नूतन जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सेलिब्रिटी के ऊपर में जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सजा का प्रावधान है लेकिन सजा हो नहीं पाती ऐसे मामले में, चूंकि सेलिब्रिटी होते हैं, पहुंच वाले होते हैं, और दूसरी जो कंपनी होती है, कंपनी इतनी बड़ी होती है जो सरकार को प्रभावित कर सकती है, जिस तरीके से अभी रामविलास पासवान जी की बात हम लोग सुन रहे थे, मंत्री हैं, जांच की बात कर रहे थे, लेकिन आज जो नया ताजा डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने कार्रवाई की बात नहीं करी है कोई किसी तरीके की, जांच की रिपोर्ट आएगी कब आएगी, हालांकि जो रिपोर्ट आ चुकी है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि बाराबंकी से जो सैंपल उठाए गए थे भले ही एक्सपायरी 14 नवंबर के पहले के हों, नवंबर 2014 के पहले के हों, लेकिन उसमें तो जो हानिकारक तत्व हैं वो पाए गए, तो उसके आधार पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या आपकी, हमारी जिम्मेदारी ये भी नहीं बनती कि हम ऐसे मामलों को लेकर के सरकार पर दबाव डालें?
जी, और नवंबर 2014 के सैंपल में ही ये चीजें क्यों आई, और अगर जब आई है उसमें मिलावट है तो जिन लोगों ने उस 2014 से मैगी के प्रोडक्ट को यूज किया है उनको तो हार्म पहुंचा या जो भी नुकसान पहुंचना, और ऑलरेडी जब जांच हुई है और उसमें पाई गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर। तो इस तरह से आपने देखा कि मैगी को लेकर बड़े बड़े विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन इन विवादों का फायदा किसको होगा और क्या वाकई में एक कड़ा मैसेज देने की जो कोशिश की जा रही है वाकई में वो मैसेज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? मैगी जो कि स्पेशलाइज बच्चों के लिए होती है, इस पूरे मामले में यानी कि विवाद सामने आने के बाद में बच्चों का क्या कहना है, क्या बच्चे मैगी खाना छोड़ेंगे? मैगी को लेकर आज कई तरह की जांचें चल रही हैं, लोगों का कहना क्या कहना आई, हम लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैगी को जिस तरह से टारगेट किया गया, अभी लोग जो है आपके घर में भी बच्चे होंगे मैगी यूज करते होंगे, अभी उसमें पता चला है कि उसमें कुछ हार्मफुल चीजें मिली हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैगी के बारे में मैंने भी अभी काफ़ी कुछ सुना है, इसके बाद जो हार्मफुल चीज़ें मिली हैं तब से बच्चों को मैगी देना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये तो अब विज्ञापन वगैरह देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, कुछ इसके टेस्ट को देखकर भी आकर्षित होते हैं, लेकिन उसको देखकर ये लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ रह जाते हैं कि इसमें कितनी हार्मफुल चीज़ें मिली हुई हैं। लग रहा है हमारे बच्चे हर समय यही कहते हैं मैगी खाना है मैगी खाना है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते मैगी को। किस बात करते हैं, देखिए आप मैगी पसंद है, कब खाते हो? संडे को। क्या सोच के खरीदते हो मैगी, जो ऐड आता है उसे देख के खरीदते हो या कुछ उसमें ऐसा है जिसकी वजह से खरीदते हो? स्वाद अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। मैगी खाते हो तुम? क्यों खाते हो? जैसी ऐड आता है टीवी में तब कभी कभी खा लेता हूँ संडे को। तो मुकेश जी आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने देखा कि बच्चे सब कुछ पता होने के बाद भी वो मैगी खाते हैं, लेकिन अब क्या देखा जाए इसके पीछे कारण क्या होगा? क्या मैगी के लिए एडवर्टीजमेंट ऐसे किया गया जिससे कि घरों का बिल्कुल जुड़ाव हो गया, हर घर में दाल चावल होना हो बच्चों की पसंदीदा मैगी जरूर होगी? बिल्कुल, दो चीज मैं कहूंगा। एक जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसके टेस्ट इस तरीके के होते हैं जो आदत हो जाती है आपको उसको खाने की, और दूसरी बात जो हम लोग पहले भी नूतन ठाकुर जी से चर्चा कर रहे थे कि इसमें एडवर्टाइज जो इंडोर्स करते हैं जो स्टार्स हमारे उनका काफी प्रभाव होता है बालमन पे। अगर अमिताभ बच्चन या उनका कोई पसंदीदा कलाकार धोनी, जैसे ये बच्चा कह रहा था कि धोनी उनका पसंदीदा स्टार है, अगर धोनी कुछ बोलता है तो वो खरीदता है। पेप्सी और कोको कोला की अगर बात करें, कोई भी स्टार मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बचा हुआ होगा जिसको बच्चे जानते हैं, और वो कोको कोला या भले वो अपनी रियल लाइफ में कोको कोला या पेप्सी नहीं पीता हो, लेकिन टेलीविजन पे पीता हुआ दिख जाता है, जिसकी वजह से आप अपने घर में भी देखते होंगे जो बच्चे आपके साथ निकलते हैं तो वो कोक और पेप्सी की बात जरूर करते हैं। मैगी के संदर्भ में या दूसरी भी ऐसी चीजें हैं उन संदर्भों में यही चीजें लागू होती है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी जो है उन स्टार्स के ऊपर ज्यादा होती है, क्रिकेटर्स के ऊपर ज्यादा होती है जो इन ब्रांड को इंडोर्स करते हैं बिना इस बात को जाने कि वो सही में हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं है। अब मुझे लगता है कि इस तरीके के जो विवाद आ रहे हैं सामने, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जा रहा है, और शायद मुझे लगता है कि जो सेंसिटिव स्टार्स होंगे वो भी इस बात को सोचेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से पहले उसके प्रोस एंड कॉन के बारे में थोड़ी पड़ताल कर ले, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर होगा। जी, तो बॉलीवुड का जिस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है यही वजह है कि अब बच्चे अपने पसंदीदा उनका पसंदीदा एक्टर क्या कर रहा है, कौन सा ब्रांड इंडोर्स कर रहा है, उसको ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम राय जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। विजय जी, मैगी को लेकर जो विवाद सामने आया है उस पर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए जिस तरह से उसके बारे में जांच के बाद जो पड़ताल हुई है, मुझको लगता है उस पर कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए, और स्वाभाविक रूप से किस तरह देखिए कि किस तरह से जहर हमारे नौनिहालों को जा रहा था। जी, अभी मैं इसके पहले के वक्ता को सुन रहा था, ये बात उनकी मुझे ठीक लग रही है कि क्योंकि जिन स्टार्स को जिन बड़े लोगों को आदमी करते देखता है उन विज्ञापनों का असर बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे मैगी मांग रहे थे। जी जी। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी कंपनी थी और इतना रासायनिक मात्रा में जिस तरह से जांच हुई है और जो बातें प्रकाश में आई हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से ये पहल हुई है वो जिन अधिकारियों ने किया है उनका स्वागत करना चाहिए। और इस तरह से जो भी रासायनिक तत्व हो रहे हैं, जो फूड के मामले नीचे आ रहे हैं और जाने अनजाने में कहीं कहीं आदमी उन जहर को पी रहा है, विजय जी जो एग्रेसिव मार्केटिंग है उसी का नतीजा है उसको हमारी गवर्नमेंट। विजय बहादुर जी, एक चीज बताइए, सरकार आपकी है केंद्र में, और जो अभी रामविलास पासवान जी बता रहे थे
कि जांच किया जाएगा, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जांच के बाद ही प्रकाश में आया है। जो बाराबंकी से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उस सैंपल को जब कोलकाता के लैब में भेजा गया, कोलकाता के लैब में की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद से ही ये सारा मामला सामने आया है कि उसमें लेड की मात्रा जो है 7 गुना ज्यादा है, जो कि हानिकारक है। इसके बाद किस जांच की जरूरत है? इसके बाद मेरा सवाल पूरा हो जाने दिए पाठक जी। इसके बाद से मामला ये आया कि जो बाराबंकी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में जो मैगी कलेक्ट किए गए सैंपल उनको भेजा गया है और उन सैंपल की जांच हो रही है, लेकिन बाराबंकी के मामले में क्या फैसला हुआ ये अब तक सामने नहीं आया। नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा कि आपका सवाल एकदम जायज है और यह सवाल आम जनता के भी मन में होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ये कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही है? आप जानते हैं कि नेस्ले एक बड़ी कंपनी है और इन बड़ी कंपनियों पर के पास से जो कानूनी पहलू हैं उन कानूनी पहलुओं का सहारा लेते हुए कई बार ये बचने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो उसके आवश्यक जांच चौपन्न व्यवस्था करनी है और कार्रवाई ऐसी हो ताकि उस पर रोक लगे, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। स्वाभाविक है, वो केंद्र में मंत्री हैं और मंत्री यदि इसी कार्रवाई की बात करेगा उसके पास तथ्यात्मक होना चाहिए और जो तथ्य बाराबंकी के आए हैं, जो कलकत्ता के नमूने हैं, उन सारे परिप्रेक्ष्य को भारत की सरकार ने मंगाया है और उस जानकारी के उपरांत जो कानून की व्यवस्थाएं होंगी उन व्यवस्थाओं के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जी जी, आपकी बात से हम आश्वस्त हो जाए, हम अपने दर्शकों को ये आश्वस्त करें कि बाकी देश की से जो कलेक्ट किया गया है सैंपल उसमें जो भी अगर रिपोर्ट आती है नेगेटिव तो बैन किया जाएगा इस कंपनी को सरकार की तरफ से। देखिए, मैं आपके इस चैनल पर से पर यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जन हानिकारक जो भी फूड के प्रोडक्ट बाजार में हैं उनके बारे में इस एक घटना को चेतावनी लेते हुए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत भी भारत की सरकार ये आदेश देने वाली है कि ऐसी चीजें जो लोग आम जीवन में जनजीवन में उपयोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनके बारे में शिकायत है उनकी रोजमर्रा तरीके से जांच हो और जिन लोगों से गड़बड़ियां मिल रही हैं उन कंपनियों के खिलाफ और जो व्यक्ति भी उस पर हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विजय बहादुर जी, आखिरी सवाल आपसे है। विजय बहादुर जी, आखिरी सवाल है, यूपी से आप आते हैं और यूपी से ही ये मामला निकल के आया है और यूपी में ही सबसे पहले जो है टेस्ट जो रिपोर्ट है वो सामने आई, क्या यूपी सरकार अब तक उस पर बैन नहीं लगाई है? मैगी अभी भी बिक रहा है, भले लोग खरीदने वाले कम हो गए लेकिन अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, जो चाहे उसको खरीद सकता है। तो क्या? मैंने कहा ना कि यूपी से आते हैं, यूपी की सरकार है, तो ये कुल मिलाकर सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है और सरकार की कार्यशैली ये है कि आप देखिए कि लखनऊ में एक महीने से एसएसपी तैनात नहीं हो पाया, राजधानी है लखनऊ, तो अगर सरकार फैसले नहीं ले पा रही है, भ्रम की सरकार है तो ये जाने। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया चैनलों को, उन संवाददाताओं को, उन खबरनविसों को जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर बगैर किसी दबाव के इतना दिखाया कि आज प्रचार प्रसार की स्थिति यह है कि जो आम जनमानस है अपने से उसको उसकी खरीद करना उसका प्रयोग करने इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत, और इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सवाल मैं करना चाहूंगी एडवोकेट करण आहूजा जी से। करण जी, क्या हमारे देश में जो फूड सेफ्टी नियम है क्या अब जरूरत है उनको और भी ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से रखने की? देखिए, स्ट्रांग तो पहले से भी थे जी। अब जो FSSAI बनी है, नई बॉडी बनी थी कुछ टाइम पहले जी, उसने भी नकेल कसनी शुरू कर दी है काफी बॉडीज पे जी। आप अगर उनकी वेबसाइट जाके आप चेक कीजिए या फिर अगर न्यूज़लेटर लेते हैं आपको पता लगेगा कि काफी ऐसे फूड सैंपल्स हैं जो वो रिजेक्ट करते हैं अपनी तरफ से। दे हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग, अपना काम तेज करना शुरू कर दिया जी जी। लेकिन इसकी जो आज की जरूरत है हमारी, हमें चाहिए कि आज हमने कंप्लेंट की है, इस साल 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका निपटारण हो जाए जी, ताकि कंपनियां भी डरे, उनको भी लगे जुर्माना 10-20,000, 50,000, 1,00,000 क्या होता है कंपनियों के लिए। जी जी। नेस्ले कंपनी का शेयर 7,000 रुपए का बिकता है, उस कंपनी के लिए क्या फर्क पड़ेगा उसको 1,00,000 का जुर्माना लगे? आप लगाइए 10 करोड़ का 100 करोड़ का जुर्माना उसके ऊपर, तब उनको पता चलेगा। हाँ, इंसान की जान इतनी भी कम कीमत की नहीं है कि आप 10 रुपए में मौत बांटते फिर। आपको लगता है जो दंडित करने की जो प्रक्रिया या जो दंड जो दिया जाता है, जैसे आपने बताया जो पेनल्टी होती है, पेनल्टी कम होती है और बड़ी कंपनियों के लिए पेनल्टी भरना कोई छोटी बात होती है, बहुत ही पेनल्टी, वो अगर करोड़ रुपए की बात भी करें तो वो जितना बड़ा मार्केट नेस्ले के लिए है भारत, उसमें अगर आप 100 करोड़ का भी अगर पेनल्टी करते हैं तो पहले तो 100 करोड़ वो देने के लिए तैयार नहीं, इतना ज्यादा बड़ा लीगल पैनल होता है उनका, वो कहीं ना कहीं कोई निकालेंगे और उससे भी बच निकलते हैं। लेकिन
एक जो मावा में जो मिठाई में जो मिलावट करता है उसको तो सजा हो जाती है तुरंत, लेकिन नेस्ले जैसे जैसी बड़ी कंपनियां हैं उनके चॉकलेट में, आपको याद होगा पिछले दिनों कैडबरीज में भी कीट निकलने का मामला आया था और अमिताभ बच्चन इंडोर्स करते थे, उसमें भी विवाद इतना ही बड़ा था, लेकिन उस मामले का क्या हुआ कोई नहीं कह सकता, वो किस तरीके से मैनेज कर दिया गया और बाद में उसमें जो दोष है वो जो फ्रीजिंग जहां पर स्टोर किया जाता है उसके ऊपर ले आकर के मामले को खत्म कर दिया गया, पेनल्टी भी कोई नहीं हुई। क्या आपको लगता है इस तरीके के मामले में कानून को भी थोड़े से जो है बदलाव की जरूरत है, जो पेनल्टी जो सजा देने का प्रावधान है उसमें थोड़ी सख्ती लाने की जरूरत है? हमारे कानून में क्लास एक्शन लॉ सूट का प्रावधान अभी तक नहीं है। आप देखिए, अगर आप चाहें कि 100 बंदे 200 बंदे मिलके एक तरफ सूट डालने, एक तरफ बड़े अमाउंट का केस डालना चाहें, वो डाल नहीं पाते। जैसे अभी फेसबुक के खिलाफ हुआ था कुछ टाइम पहले, 10-12 बिलियन डॉलर का, इतना बड़ा जब तक कोई केस डालना शुरू नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कंज्यूमर आगे नहीं बढ़ेंगे, कोर्ट तो देने, कोर्ट ने जुर्माने बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्हें पेनल्टी से आगे सजा हो, कंपनी बैन हो जाए, जहां आप वहां पर 2 साल के लिए 4 साल के लिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। देखिए इस तरीके आप आज कंपनी बैन कीजिए, वो किसी नए नाम से रिकॉन्स्टिट्यूट करके आ जाएगी, आप डायरेक्टर्स पर डायरेक्ट एक्शन लीजिए, आप कंपनीज के इंप्लॉइज पे, वो तो दे आर पेड इंप्लॉइज, जिन्होंने कंपनी फ्लोट की है उनको आप पकड़िए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, जब तक उन पे एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि ये जो पूरा विवाद सामने आया है इससे मैगी जैसे ब्रांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ब्रांड मैम पिछले 25 साल से बनता आ रहा है जी, तो और हमारे कंज्यूमर्स के साथ प्रॉब्लम क्या, उनकी जो रिटेंशन पावर है बहुत कम है। कि आज उन्होंने सुन लिया कि जी कोको कोला में कुछ निकला था 4 साल पहले, लेकिन आप देख लीजिए कोक या पेप्सी की सेल में कितना फर्क पड़ा है, कैडबरी की सेल में कितना फर्क, पेस्टिसाइड का मामला जब आया था उसी तरीके से बहुत लोगों ने पीना बंद कर दिया, लेकिन टाइम के साथ फिर सब लोग भूल गए, फिर भूल गए, बिल्कुल। लेकिन अगर इनको बड़ी सजा होगी, ये लोग जेल जाएंगे, इनके डायरेक्टर्स जेल जाएंगे, इनमें डर पैदा होगा जी हम कुछ गलत करेंगे हम पकड़े जाएंगे। क्या हमारे पास वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि जब भी जो नई चीजें अगर मार्केट में आती है तो वो सैंपल चेंज उस विंडो से ही आए जहां पर चेक होकर के आए, ताकि वो मार्केट में जाने से पहले ही वो इस प्रोसेस से गुजर जाए? सिस्टम है लेकिन उसका रिपीटेड इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज आप अपना नया प्रोडक्ट निकालिए खाद्य पदार्थ कोई, FSSAI से आपको एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा, आपको अप्रूवल मिलेगा तभी आप अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है, अब रिपोर्ट आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट लैब्स की रिपोर्ट आप लगा के अब उसमें से बच सकते हैं कि FSSAI दोबारा आके आपका चेकिंग ना करें। ये तो उन्होंने खुद एक्शन लिया है UPFDA ने कि इनके खिलाफ किनको पकड़ा जाए, मतलब समय समय पर एजेंसियों को भी चाहिए कि वो औचक निरीक्षण करे और औचक सैंपल मार्केट से उठाए और टाइम टू टाइम उसको चेक करता है। टाइम निरीक्षण बहुत जरूरी, तभी इन सब चीजों पे लगाम लगाई जा सकती है, समय अनुसार निरीक्षण होगा तभी जाके कुछ रिजल्ट निकलेगा। जी बिल्कुल, इसका फॉलोअप बहुत जरूरी है कि अगर आज कोई विवाद सामने आया है, आज कोई सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो उसकी रिपोर्ट क्या आई है, उसके लिए फॉलोअप करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ जुड़े, करण आहूजा एडवोकेट हमारे साथ जुड़े लखनऊ स्टूडियो से, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर, और साथ ही साथ मैं मुकेश जी का भी शुक्रिया करना चाहूंगी। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। भारत सरकार ने आज कई नई रेलगाड़ियों का ऐलान किया है, वो भी आपके पसंदीदा फिल्म स्टार्स के नाम पर। मोदी एक्सप्रेस जब तक गंतव्य तक न पहुंच जाए कहीं नहीं रुकेगी। बप्पी लहरी एक्सप्रेस, आप एक चेन खींचिए दूसरी निकल आएगी। एकता कपूर एक्सप्रेस, ट्रेन स्लो मोशन में एक ही स्टेशन पर 3 बार आएगी। मनमोहन एक्सप्रेस, देश की अकेली मौन ट्रेन होगी। धोनी एक्सप्रेस, 95% सफर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेगी और आखिरी 5% सफर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ममता एक्सप्रेस उल्टी दिशा में चलेगी। राहुल गांधी एक्सप्रेस बार बार पटरी से उतर जाएगी। कांग्रेस एक्सप्रेस, हर कोच में अनुभव ड्राइवर होगा पर इंजन का ड्राइवर छुट्टी पर चला जाएगा। अमित शाह एक्सप्रेस, दिल्ली के अलावा हर जगह जाएगी। केजरीवाल एक्सप्रेस, चलने की तो गारंटी होगी पर गंतव्य तक पहुंचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और भारतीय रेलवे की शान की बारी, रजनीकांत एक्सप्रेस, ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, स्टेशन ही एक के बाद एक गुजरते जाएंगे।